So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. I'm your friend Vipin Kumar Sharma, and in this particular video we are going to talk about another very important exercise topic from Principles of Inheritance and Variation, that is the recessive epistasis. So in last video मैं आपको epistasis की definition समझा चुका हूँ. मैं आपको summer squash यानी Cucurbita pepo में जो dominant epistasis होती है उसके बारे में पूरी detailed description दे चुका हूँ, example के साथ तीनों के तीनों fruit color को depict करते हुए. आज हम recessive epistasis के बारे में जानेंगे और आपको इस topic को समझाते हुए मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप लोगों ने अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस को समझ लिया है. और अगर नहीं समझा है तो इस वीडियो के बाद या पहले देख लेना, मेरी आदत है पूरी कंसेप्ट को रिपीट करने की. तो अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ के आते तो भी आप इस वीडियो को पूरा पूरा देख के समझ पाओगे, दैट इज अ श्योरिटी, राइट. सो गाइज, इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड मी ऑन टेलीग्राम येट तो आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर मेरे सारे फ्री क्लासेस के लिंक्स आपको मिल जाते हैं. एंड हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. दोनों के दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. If you are on Instagram, then you can get connected to me on Vipin Sharma Biology. And if you want to take an Academies Plus subscription, तो आप Vipin नाम का एक कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाए और आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप में भी आ जाए, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. सो एपिस्टेसिस की डेफिनेशन हमने समझी थी, और एपिस्टेसिस की डेफिनेशन जो है बहुत बेसिक तरीके से हमने जानी थी, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट वी कैन हैव अ बेटर ग्रेस्प ऑन दिस टॉपिक एज वेल. एपिस्टेसिस में एक जीन जो है दूसरे नॉन अलीलिक जीन को मास्क करता है, यानी उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, राइट. सो अलील क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि एक ही जीन के आपके जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं वो अलील होते हैं. यानी समझ लो एक कैरेक्टर है आपका हेयर कलर, लेट से. सो हेयर कलर में आपके अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे एक जीन जो है वो आपका कोड करेगा ब्लैक हेयर के लिए और दूसरा कोड कर सकता है आपके ब्राउन हेयर के लिए, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग हो गए. समझ लो आपकी हाइट अगर आपका बेसिकली एक कैरेक्टर है तो उसके लिए जो एलिलोमॉर्फ्स होंगे उसमें से एक कोड कर सकता है आपके टॉल हाइट के लिए, दूसरा कोड कर सकता है ड्वार्फ हाइट के लिए. सो ये कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, यानी ये अपोजिट होते हैं इन एक्सप्रेशन. सो यहां पर नॉन एलिलिक जीन के जो अलील नहीं है उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस किया जाता है बाय अ पर्टिकुलर जीन. सो जो जीन जो बेसिकली दूसरे को सप्रेस करेगा, यानी जो अपनी एक्टिविटी को ऊपर दिखाएगा, जो ज्यादा डोमिनेंट खुद को शो करने की कोशिश करेगा, ये आपका एपिस्टेटिक जीन हो जाएगा. और वो जीन जो दब जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाइपोस्टेटिक जीन हो जाएगा. ओके, सो एपी का मतलब होता है ऊपर, तो ये ज्यादा डोमिनेटिव होगा, ओवर डोमिनेटिव. हाइपो मतलब दबा हुआ, सप्रेस हुआ, सो इट इज गोइंग टू बी हाइपोस्टेटिक जीन. सो यहां पर रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमने क्या देखा था कि आपका अगर समझ लो एक कैपिटल डब्ल्यू भी प्रेजेंट है, यानी अगर आपका कुकुरबिटा पेपो में सिंगल कैपिटल डब्ल्यू भी प्रेजेंट है तो उसके बाद कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. डोमिनेंट एपिस्टेसिस मतलब अगर सबसे डोमिनेटिंग कैरेक्टर आपका एक भी अगर डोमिनेंट एलील उसमें प्रेजेंट है तो वो टोटल कलर को उस तरफ ले जाएगा. यानी समझ लो कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है, इसके बाद स्मॉल डब्ल्यू प्रेजेंट है और कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है. सो डब्ल्यू कोड कर रहा था व्हाइट कलर के लिए और ये कोड कर रहा था येलो कलर के लिए. अगर येलो आपका कंप्लीट डोमिनेंट है और ये आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो भी आपके फ्रूट का कलर व्हाइट ही होगा, क्योंकि ये सिंगल जो आपका डब्ल्यू है इसकी ताकत सबसे ज्यादा है, ये सबका बाप है, चाहे ग्रीन हो येलो हो. व्हाइट अगर एक भी प्रेजेंट है तो वो ओवरऑल फ्रूट कलर को व्हाइट की तरफ ले जाता है. ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाया था क्योंकि यहां पर ये जो है डोमिनेंट कंडीशन थी. यहां पर क्या हुआ, जो रिसेसिव कंडीशन होगी वो आपके डोमिनेंट को मास्क करेगी, यानी आपकी रिसेसिव जो है इनडायरेक्टली डोमिनेंट होगी एक कंप्लीट डोमिनेंट चीज के ऊपर. सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन सच है. कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं. जैसे माइस है तो माइस के अंदर अलग अलग बॉडी कलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगोटी, अल्बाइनो और आपका कलर्ड बॉडी. ओके, सो जो कलर्ड बॉडी है ये कब प्रोड्यूस होती है आपकी, कलर्ड बॉडी तब प्रोड्यूस होती है जब कैपिटल सी जीन जो है ये डोमिनेंट होता है, यानी जब या तो ये कैपिटल सी हो और कैपिटल सी स्मॉल सी हो. यानी कैपिटल सी तो डोमिनेंट होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में दूसरी कंडीशन यह है जो ए जीन होता है वो आपका हमेशा रिसेसिव होना चाहिए. यानी जब आपका सिर्फ सी डोमिनेंट होगा तो आपकी माइस जो है कलर्ड होगी. जब सिर्फ सी डोमिनेंट होगा और ए कंप्लीटली रिसेसिव होगा तो आपकी माइस कलर्ड होगी. सेकेंड केस क्या है, जब आपका माइस जो है इसमें ए वाला जो है डोमिनेंट होगा लेकिन इसके पास रिसेसिव सी अगर प्रेजेंट है, दोनों सी अगर रिसेसिव केस में प्रेजेंट है, ये यहां पर आपका एपिस्टेटिक इफेक्ट शो करते हैं. और ए चाहे डोमिनेंट भी प्रेजेंट है लेकिन अगर यहां पर दोनों रिसेसिव जीन प्रेजेंट है स्मॉल सी के, तो ये अल्बाइनो कलर की तरफ जो है माइस को ढकेल देता है.
और जब दोनों ही डोमिनेंट होंगे, चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेटरोजाइगस हो, तो आपका अगॉटी कलर यहां पर बनेगा। तो सर इसमें नई बात क्या है, इसमें नई बात यही है दोस्तों कि अगर आपका कैपिटल ए है और स्मॉल सी है, या कैपिटल ए है और स्मॉल सी है, अगर ये स्मॉल सी रिसेसिव है तो आपका हमेशा ये वाला डोमिनेंट होता है नॉर्मल केसेस में, कि हाँ भाई कलर आपका कैसा बन जाएगा, जो कैपिटल ए में जो केस था अल्बाइनो, यही आपको मतलब जो नॉर्मल अगॉटी केस था ये आपको देखने को मिल जाना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर स्मॉल सी हो गया है तो ये डोमिनेंट हो जाता है इनके ऊपर। जब दो छोटे छोटे सी इकट्ठे हो जाते हैं, जब कंप्लीटली ये जो है आपके रिसेसिव हो जाते हैं, तो ये आपके दूसरे जो ताकतवर जीन्स हैं उनके मर्डर का प्लान बनाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। सो ये अपना खुद का कलर इन पे इंपार्ट करते हैं, दैट इज अल्बाइनो। अब जब आप क्रॉस देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग क्रॉस को बहुत ठीक ढंग से यहां पर देखें। पहली चीज देखो कि यहां पर आपने क्या किया, कैपिटल सी स्मॉल ए, यानी यहां पर एक्सप्रेस कौन कर रहा है, सिर्फ कैपिटल सी। तो ये कैसे हो जाएगा, कलर्ड माइस हो जाएगा, राइट। तो आपने कलर्ड माइस लिया सबसे पहले पेरेंट के अंदर, और इसके साथ आपने क्या लिया, इसके साथ आपने लिया कैपिटल ए और स्मॉल सी। स्मॉल सी अगर आपके हैं तो एपिस्टेटिक इफेक्ट शो करेंगे। जब रिसेसिव वाले एपिस्टेटिक हो जाएं तो इसे आप रिसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हो, और ये आपका अल्बाइनो कलर जो है यहां पर देंगे। सो जब आपने पेरेंटल कलर्ड और अल्बाइनो को क्रॉस कराया, तो आपका हाइब्रिड यहां पर बना जिसमें हेट्रोजाइगस सी और ए दोनों डोमिनेंट थे, तो ये आपका अगॉटी बन गया, राइट। अब इसके जो है आप गैमीट बना लो। अब इसके गैमीट बनाओगे तो कैसे बनेंगे, आपको सबसे पहले ये देखने हैं, राइट। इसके गैमीट जब आप बनाओगे तो बनेगा कैपिटल सी सबसे पहले कैपिटल ए के साथ, तो कैपिटल सी कैपिटल ए के साथ, फिर कैपिटल सी स्मॉल ए के साथ, कैपिटल सी स्मॉल ए के साथ, फिर आपका स्मॉल सी कैपिटल ए के साथ, फिर आपका स्मॉल सी स्मॉल ए के साथ। ये तो हो गया आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दूसरे में भी यही होंगे। तो कैपिटल सी कैपिटल ए हो जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल ए हो जाएगा, स्मॉल सी कैपिटल ए हो जाएगा और स्मॉल सी स्मॉल ए हो जाएगा। अब इनका क्रॉस करा के देख लो कि आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल ए, दोनों के दोनों यहां पर कैपिटल हैं, तो क्या बनेगा, अगॉटी बनेगा। ओके, अगॉटी को हम जी से लिख देते हैं, यानी अगॉटी को थोड़ी देर के लिए हम प्यार से गोटी बुला लेते हैं। ओके, गोटिया। सो ये जो हमारा गोटिया है, इसमें दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि अगर अल्बाइनो और अगॉटी में कंफ्यूजन से बचना है तो इसको थोड़ी देर के लिए जी बुला लेते हैं। कैपिटल सी ओके, कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों डोमिनेंट, आपका ये भी गोटिया बन गया है। कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए, यानी ये भी आपका गोटिया है। कैपिटल सी स्मॉल सी ओके, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी आपका दोनों डोमिनेंट गोटिया बन गया। कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, अगेन गोटिया। कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए, अब यहां पर क्या हुआ, सिर्फ सी डोमिनेंट है, तो ये कैसा बन गया, आपका कलर्ड माइस बन गई। ए क्योंकि यहां पर रिसेसिव है, ओके सो ए यहां पर रिसेसिव है, सिर्फ सी डोमिनेंट है तो कलर्ड बनी। अब क्या हुआ, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों डोमिनेंट, गोटिया बन गया। ओके, कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए, अब दोनों स्मॉल ए यहां पर इकट्ठे हो गए। ओके, और दोनों जो है, दोनों मतलब यहां पर एक सी डोमिनेंट है, तो ये ओवरऑल कलर्ड हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये रिसेसिव है। अब देखो कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल ए दोनों डोमिनेंट, गोटिया बन गया अगेन। कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, अगेन गोटिया बन गया। देन स्मॉल सी ओके, ये वाला आया ना अपना वाला, स्मॉल सी कैपिटल ए कैपिटल ए, यानी ये जो स्मॉल सी है ये यहां पर इकट्ठे हो गए, तो कैसा ले जाएंगे इस कलर को, अल्बाइनो की तरफ ले जाएंगे, तो ये आपका अल्बाइनो बन गया। फिर स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आपका अल्बाइनो बन गया। फिर क्या हुआ, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, गोटिया बन गया। कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए, तो सिर्फ कलर्ड वाला डोमिनेंट है तो कलर्ड बन गया। फिर आपका स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहां पर क्या हो गया, आपका ए डोमिनेंट है और सी वाले आपके दोनों रिसेसिव हैं, अल्बाइनो बन जाएगा। और यहां पर स्मॉल सी स्मॉल ए, देखो भाई अगर स्मॉल सी आ गया, रिसेसिव एपिस्टेसिस है, अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो आगे कोई भी हो उसको जो है मार के भगा देंगे ये, तो बेसिकली ये भी आपका कैसा बन गया, ये भी आपका अल्बाइनो बन गया। तो आपको यहां पर कैलकुलेट करना है कि टोटल आपको कितने कैसे मिले। सो समझ लो हम लोग पहले गोटिया को कलर कर रहे हैं, तो ये आपका गोटिया एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छ, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ। ओके, नौ कैसे बने आपके, गोटिया बन गए। आप देखो कलर चेंज कर दो, कलर चेंज करने के बाद आप कलरफुल देखोगे, एक बना, दो बना, तीन बना, कलरफुल आपके तीन बने। अब आप अल्बाइनो देखोगे जो रिसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से बने हैं, तो ये कैसे बने, एक दो तीन
चार, यानी ओवरऑल रेशियो क्या आना चाहिए, ओवरऑल रेशियो आपका आना चाहिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशियो 3 रेशियो 4, 9 रेशियो 3 रेशियो 4। यहां पर पीछे जाकर देखो, कंफर्म करो कि हमारा रेशियो ठीक है कि नहीं, 9 रेशियो 3 रेशियो 4 बिल्कुल सही है। अल्बाइनो जो रिसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से बना, यानी जो स्मॉल सी की वजह से बना, ये चार थे आपके, जिनमें दोनों डोमिनेंट थे 9 थे, और यहां पर आपका सिर्फ जिसमें सी डोमिनेंट था ऐसे 3 थे। तो ओवरऑल आपका 9 रेशियो 3 रेशियो 4 जो है यहां पर आपको देखने को मिला। मेन आपको यह देखना है कि रिसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से आपका 4 जो है यहां पर आपको देखने को मिले। ऑलराइट, सो 4 जो है आपको यहां पर देखने को मिले, दैट आर ड्यू टू द रिसेसिव एपिस्टेसिस। आपको सिर्फ यह चीज समझनी थी। नॉर्मल केस में क्या है आपका, नॉर्मल केस में अगर एक भी डोमिनेंट होता है तो वो उसे डोमिनेंट की तरफ खींच के ले जाता है, बट हियर दिस इज नॉट द केस। यहां पर अगर आपका एक कंप्लीटली रिसेसिव भी है आपका, तो वो भी क्या करेगा आपका, जैसे आपका स्मॉल सी अगर यहां पर कंप्लीटली रिसेसिव भी है तो भी वो आपका डोमिनेंस की तरफ इस चीज को खींचकर ले जाएगा। राइट, सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। सो आपको क्या याद करना है, आपको माइस के तीनों कलर याद करने हैं। कौन सा कलर कब आएगा ये याद करना है। देखो कैपिटल सी सिर्फ डोमिनेंट है तो सी फॉर कलर्ड, तो ये आपको याद रखना है कि सिर्फ सी अगर डोमिनेंट है तो कलर्ड बनेगा। गोटिया में आपके दोनों के दोनों डोमिनेंट हो जाएंगे, ये याद कर लो। राइट, बचा क्या आपका, जिसमें सिर्फ ए है, तो सिर्फ ए है अगर, देन इट इज गोइंग टू बी द अल्बाइनो। राइट, नो कंफ्यूजन एट ऑल। सो दिस वॉज अबाउट द रिसेसिव एपिस्टेसिस एंड आई होप यू गॉट दिस वेरी वेल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, समझ में आई, देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। दिस वॉज द सेकंड लेक्चर ऑफ एक्स्ट्रा एनसीईआरटी सीरीज, और ऐसे और लेक्चर्स, पता नहीं कितने ही लेक्चर्स मैं यहां पर लेके आने वाला हूं। तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें चैनल को। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।